स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, अभी बेसिक चल रहा है और जैसे अगर लगता है कि बेसिक क्लियर है तो अभी हम लोग सीख रहे हैं। उसमें कुछ छोटी छोटी पॉइंट को सीखेंगे, बिल्कुल बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज सीखेंगे कि जिसका आगे बहुत ही जरूरत है। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में जो पढ़े हल्का हल्का, अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत ही जल्द स्पीड पकड़ लेंगे और फिर स्पीड में आएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं अगर तो दिक्कत में आना तय है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए और उसको अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स पूरा अच्छा होना चाहिए क्योंकि बाद में अपना नोट्स बहुत ही काम आता है, ये चीज़ हमेशा याद रखें। ठीक है, अभी जो बेसिक में हम लोग जिस पार्ट को करने वाले हैं वो है मॉड्यूलस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस को हम लोग मॉड भी पढ़ते हैं। ठीक है, मॉड मॉड, और जो नोटेशन होता है इसका, ये दो लाइन इस तरीके से ये सब बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे आप मान लो ये मॉड में एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे हम लोग मॉड एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, एक्स का मॉड्यूलस, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉड एक्स। ठीक है, तो ये सब उस नोटेशन है, उस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब मॉड काम क्या करता है उसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, मॉड क्या काम करता है? अगर मॉड में कोई भी चीज हम दें, ठीक है, तो हमको रिजल्ट में वो फाइनली पॉजिटिव ही देता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मॉड में माइनस वन दे देंगे तो क्या मिलेगा हमको? उसका पॉजिटिव प्लस वन। अगर वन देंगे तो क्या मिलेगा? प्लस वन ही मिलेगा। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, अब जैसे पंखा है, अभी पंखा स्विच दिए चलने लगा और हवा देने लगा, क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि पानी क्यों नहीं दिया? ठीक है, पानी भी दे सकता है, तो वो डिजाइनर जिस हिसाब से उसको डिजाइन किया है। ठीक है, जैसे फैन है तो फैन को किस लिए डिजाइन किया गया? तो पंखा हवा दे, तो इसलिए वो पंखा हवा ही देता है। मॉड भी एक तरीके से मान लो कि एक मशीन है। ठीक है, ये है मॉड्यूलस। ठीक है, ये मॉड, ये एक मशीन है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया डिजाइनर। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर अगर हम दें, ठीक, तो वो इसमें कुछ प्रोसेस करके पॉजिटिव नंबर आउटपुट में देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस वन दें, ठीक है, तो मॉड क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, वो फट से उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ है कि वो उसको पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव कैसे करेगा? तो बाहर एक माइनस लगा, ये वन देगा आंसर। मॉड में जैसे ही माइनस वन आया तो मॉड एक मशीन है, मान लो तुरंत वाच किया, तुरंत रीड किया कि मेरे अंदर माइनस वन आ रहा है, और अगर माइनस वन आ रहा है तो हमको कुछ काम करना है। क्या काम करना है? माइनस उसके साइड में लगा ताकि वो प्लस वन हो। तो इसी मॉड में अगर प्लस वन दिया जाए तो मॉड क्या देखेगा? अच्छा, प्लस वन आ रहा है मतलब तो वो पॉजिटिव नंबर है, कोई काम नहीं करेगा, बोलेगा तुम ठीक हो, प्लस वन आए तुम ही बाहर आ जाओ, पहले तुम्हें माइनस वन नहीं लगाएंगे। उस तरीके से ऑपरेट करता है क्योंकि उसको उस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन अगर करते हैं हम कि माइनस वन का मॉड वन क्यों हो जाता है, उसको समझाने के लिए बताए कि यही है फैक्ट। ठीक है, कि डिजाइनर उसको उस हिसाब से डिजाइन किया है मॉड्यूलस मशीन को कि अगर वो नेगेटिव नंबर को देखेगा, एक माइनस उसके बाहर लगा देगा जिससे कि वो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव नंबर को देखेगा तो कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि पॉजिटिव, वही आंसर हो जाएगा। तो मॉड का क्या काम होगा? ठीक है, अगर कोई भी जैसे माइनस फाइव पे मॉड लगाना तो क्या हो जाएगा? प्लस फाइव होगा। प्लस फाइव कैसे हुआ? तो ये इंटरमीडिएट स्टेप है कि माइनस फाइव के बाहर एक और माइनस लगा दिया ताकि वो प्लस फाइव हो गया, लेकिन अगर प्लस फाइव ही मॉड के अंदर है तो कोई स्टेप नहीं डायरेक्ट, ये फाइव का फाइव ही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछें कि मॉड एक्स क्या होता है, क्वेश्चन,
तो क्या बताओगे? ठीक है, अगर किसी का मॉड पूछा जाए, जैसे फट से कोई बच्चा बोलेगा सर एक्स, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा? तो जैसे ही मॉड में कोई नंबर गया है तो पहले मॉड वाला मशीन देखेगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि मॉड एक्स क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये बताइए कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तभी बता पाएगा। अगर आप इस एक्स को पॉजिटिव बोल रहे हो तो मॉड के बाहर ये डायरेक्ट एक्स ही हो जाए, तो तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वन है मॉड में गया तो वन ही रह गया। मॉड में अगर कोई पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, सीधी सी बात। एक्स गया, एक्स पॉजिटिव बोल रहे हैं, मतलब एक्स ही रह जाता है। या बगल में लिख दो इफ एक्स इज पॉजिटिव, तो जीरो को हमेशा हम लोग पॉजिटिव वाले केस में लेंगे, आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बोले कि नहीं भाई ये मॉड एक्स का जो एक्स है ये नेगेटिव है, तब ये क्या हुआ? तो तब ये अपने बाहर एक माइनस को लेके निकले, क्योंकि एक्स इज नेगेटिव, उसके बाहर एक माइनस क्यों लगाए? क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाए। जैसे माइनस टू है मॉड, जब भी माइनस टू निकलेगा मॉड से एक माइनस को बाहर लेके निकलेगा, माइनस माइनस टू दैट इज प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख दें इफ एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस एक्स लेस देन जीरो, पॉजिटिव इन द सेंस एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये मॉड एक्स का डेफिनेशन है। ठीक है, अगर हमसे कहीं भी पूछा जाए मॉड एक्स क्या होता है, क्या बोले ब्रो? प्लस माइनस एक्स, डिपेंड करता है कि वो एक्स कैसा है। अगर मॉड एक्स का एक्स पॉजिटिव है तो वो एक्स होगा, अगर मॉड एक्स का एक्स नेगेटिव है तो वो माइनस एक्स होगा, क्योंकि एक्स इज ऑलरेडी नेगेटिव और एक माइनस अगर लग गया तभी ना ये पूरा पॉजिटिव हो। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एक्स इस हिसाब से। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछें, ठीक है, कि भाई मॉड में अगर एक्स माइनस वन दे दे तब क्या होता है? कोई भी चीज अगर मॉड में है, कोई भी चीज, और अगर मॉड के अंदर वाला वेरिएबल है, तो हमको नहीं मालूम कि पॉजिटिव है कि नहीं, तो वो दो पार्ट में टूटेगा। जैसे ये मॉड एक्स है और एक्स के बारे में हमको नहीं मालूम कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो वो दो पार्ट में ब्रेक होगा। अगर हमको मालूम है कि ये 5 है, ये 5 इज एक्स कॉन्स्टेंट, तब इसको दो पार्ट में नहीं तोड़ेंगे, हम एक बार माइनस 5 एक बार प्लस 5, ऑलरेडी इज पॉजिटिव तो दिस इज 5। अगर माइनस 5 है मॉड के अंदर तो इसको भी नहीं तोड़ेंगे, ये भी 5 ही होगा, माइनस लग जाएगा इसके बाद। लेकिन अगर मॉड के अंदर में वेरिएबल है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, तो वो जब टूटेगा तो वो दो पार्ट में ब्रेक होगा। हमेशा याद रखना कि कहीं भी बुक में, कहीं भी क्वेश्चन में अगर x माइनस 1 का मॉड लिखा हुआ है और अगर हम मॉड को हटा दें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मॉड x माइनस 1 इज x माइनस 1, ये नहीं कर सकते, क्योंकि x के बारे में उनको नहीं मालूम। जब भी टूटेगा तो ब्रेक में, दो पार्ट में ब्रेक। ठीक है, तो दो पार्ट में कैसे ब्रेक? पहला तो एक बार ये यही रह जाएगा, जैसे मॉड एक्स को अगर हम ब्रेक करेंगे एक्स में और माइनस एक्स में ब्रेक होगा, मॉड एक्स एक बार एक्स होगा और एक बार माइनस एक्स होगा। उसी तरीके से ये जो मॉड एक्स माइनस वन है, मॉड एक्स माइनस वन एक बार बू बहू एक्स माइनस वन और एक बार इसका माइनस, इसके बाहर अगर माइनस लगाओगे तो पलट जाएगा, नहीं पलट जाएगा, वन माइनस एक्स। अब ये कब होगा लिखना पड़ेगा, तो जब ये पॉजिटिव होगा। अब x माइनस वन, अगर कोई तुमसे पूछे x माइनस वन कब पॉजिटिव होगा बताओ, तो तुम बोलोगे x की जगह 1 से बड़ा रखिए सर, 1 से अगर ज्यादा रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, 1 से छोटा रखें तो ये नेगेटिव होगा। क्लियर है? ऐसे सोच के अगर नहीं बता सकते हैं तो x माइनस वन कब पॉजिटिव, उसको निकालने के लिए x माइनस वन को ऐसा पॉजिटिव कर दो, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो को हमेशा पॉजिटिव में इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि एक्स माइनस वन जब पॉजिटिव होगा उस समय एक्स ग्रेटर देन वन होगा, या उल्टा बोल सकते हो कि जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो एक्स माइनस वन पॉजिटिव। अब एक्स माइनस वन नेगेटिव कब होगा, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसलिए धीरे हैं। ठीक है, तो जब एक्स माइनस वन नेगेटिव होगा एक्स लेस देन वन होगा, तो यानी कि हम ये उल्टा भी चल सकते हैं कि जब एक्स लेस देन वन होगा तो एक्स माइनस वन नेगेटिव होगा। तो x माइनस वन के मॉड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट में ये ब्रेक होगा, x माइनस वन ही कब रह जाएगा, जब ये अंदर वाला पॉजिटिव है, और अंदर वाला पॉजिटिव कब है, जब x ग्रेटर देन वन। यहाँ पे लिख देते हैं इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, और
ये मॉड से बाहर माइनस होके कब निकलेगा, मतलब पलट उलट पलट के कब निकलेगा, जब ये अंदर वाला नेगेटिव होगा। अंदर वाला नेगेटिव कब है, जब एक्स लेस देन वन है। ये डायरेक्ट सोच के भी लिख सकते थे हम लोग और ऐसे सॉल्व करके, अगर हमको बड़ा सा कुछ दिख जाए सॉल्व करने में दिक्कत, हम लोग एकदम कॉपी से पेन से कॉपी पे सॉल्व करके उसके बाद आराम से लिखेंगे। धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो फास्ट करेंगे। ये x माइनस वन को ब्रेक, इसी तरीके से अगर x माइनस फाइव है और ये मॉड है तो अपने मन से फटाक से लिख देंगे तो x माइनस फाइव और फाइव माइनस एक्स। ये x माइनस फाइव कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, क्योंकि फाइव से बड़ा अगर यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव हो। और फाइव माइनस एक्स कब, जब x इज लेस देन फाइव। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखें, ठीक है, यह है एक x माइनस वन का मॉड प्लस x माइनस टू का मॉड। अब ये क्वेश्चन ये हम बोल रहे हैं x माइनस वन का मॉड प्लस x माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू क्या, ठीक है, इसका हम लोग क्या लिखें। ऐसा नहीं है कि मॉड दे दी तो मॉड को हटा दो, उसका भी मॉड हटा दो उसका, वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि मॉड के अंदर में वेरिएबल है, केस लेना पड़ेगा अलग अलग। इतना इक्वल टू क्या होगा, पहला है इफ, पहला है x लेस देन वन होता, अगर x का वैल्यू वन से छोटा हो तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। दूसरा है अगर x का वैल्यू वन से ज्यादा हो टू से कम हो, अगर x का वैल्यू वन से ज्यादा हो और टू से कम हो। और तीसरा है अगर x टू से बड़ा हो, मतलब इसी एक्सप्रेशन को तीन बार ब्रेक कर रहा है। कंडीशन मतलब हम लोग कंडीशन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करना है। कब ब्रेक करना है भाई, जब x वन से छोटा, फिर कब ब्रेक करना है भाई, जब x वन से टू के बीच में हो, फिर कब ब्रेक करना है, जब x टू से बड़ा हो। ठीक है, ये तीन केस है, इस पर अगर सोच सकते हो एक मिनट। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे फर्स्ट केस क्या है कि इफ एक्स इज लेस देन वन, तो हमको ब्रेक किसको करना है, ब्रेक करना है ये है लिखा हुआ एक्स माइनस वन का मॉड प्लस एक्स माइनस टू का मॉड। ठीक है, इसको ब्रेक करना है तो हमको x दिया हुआ है, तो जैसे ही मॉड को ब्रेक करना है तो जो मॉड के अंदर में लिख रहे हैं इसको हम लोग ब्रेक करना है x माइनस वन। ठीक है, तो हम लोग x गिवन है हम लोग उसी के बारे में सोचेंगे, नहीं गिवन रहता तो हम लोग अपने हिसाब से ब्रेक करते इसको दो बार, इसको भी दो बार। ठीक है, x लेस देन वन पे हमको ब्रेक करना है, हम लोग इसमें x लेस देन वन कोई भी x लेस देन वन रख के देख दो, इसे वन से छोटा कुछ भी रख दो तुम, जीरो तो जीरो अगर यहाँ रख दो तो नेगेटिव होगा, फिर तो वन से छोटा कोई भी नंबर इसमें अगर रखेंगे हम लोग तो नेगेटिव ही हो, यानी कि इस एक्स के लिए मतलब अगर एक्स वन से छोटा कोई भी रख दे हम लोग इसमें तो ये नेगेटिव ही होगा। और अगर मॉड के अंदर वाला नेगेटिव हो तो जब वो मॉड से बाहर निकले उलट पलट के निकलेगा, मतलब माइनस साइन के साथ निकले। अगर मॉड के अंदर माइनस फाइव है तो ये माइनस साइन के साथ निकलेगा, जिससे ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या मालूम चला यहाँ पे, इस रीजन के लिए कि x माइनस वन इज नेगेटिव, तो जब हम मॉड हटाएंगे तो वन माइनस एक्स होके निकलेगा, तो यानी कि इसके बाहर टोटल के बाहर माइनस लगा दो। ठीक है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है इस रीजन में, एक माइनस लग गया तो पॉजिटिव हो। तो यहाँ भी अगर तुम वन से छोटा कुछ भी रखोगे, जीरो माइनस वन माइनस टू, तो ये भी नेगेटिव होगा, नहीं होगा देख लो रखो। तो इसको भी जब हम लोग निकालेंगे तो एक माइनस साइन के बाहर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा माइनस एक्स प्लस वन और माइनस एक्स प्लस टू, दैट इज माइनस टू एक्स प्लस थ्री। मतलब फर्स्ट जो था उसका आंसर हम लोग निकाल लिया कि अगर एक्स लेस देन वन है तो उस समय इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, बहुत काम देने वाला है, इसे ध्यान से पढ़ना पूरा, एक बार में नहीं है तो दोबारा पढ़ना है इसको, दोबारा लेक्चर देखना है बिल्कुल, तो लेक्चर देख के कमेंट जरूर किया करो, लाइक कमेंट कम से कम बनता है। ठीक है।
ठीक है, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे और तुम शो नहीं करोगे कि तुमको अच्छा लगा, तो फिर मेहनत करने में थोड़ा कम आनंद आए, ठीक है। तुम साथ में चलो बिल्कुल, और वो सारा चीज़ तुमको पढ़ाया जाएगा जिसको पढ़ करके तुम बहुत आगे जा सकते हो। बिल्कुल टेंशन चिंता उनका कुछ नहीं करना है, बिल्कुल डिटेल सारा बात करेंगे हम लोग, सब चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है, टेस्ट वेस्ट भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, ठीक। अगर दूसरा पॉइंट करें, दूसरा में क्या था, अगर एक्स वन से तो बड़ा हो लेकिन टू से छोटा, ठीक है। अब वन से बड़ा और टू से छोटा है और हमको निकालना है इसका वैल्यू, मॉड एक्स माइनस वन और मॉड एक्स माइनस टू, ठीक है। तो वन से ज्यादा, तो वन से ज्यादा इसमें कुछ भी रखे, देखो यहाँ पे वन भी है तो वन रखोगे तो जीरो होगा क्या, तो जीरो को हम लोग पॉजिटिव ही मानेंगे, हम मानेंगे नहीं, मतलब पॉजिटिव वाला केस मिलेंगे, क्योंकि जीरो का मॉड भी जीरो लिख सकते हैं ना, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर वन से ज्यादा कोई नंबर और टू से कम कोई भी नंबर इसमें रख दो, जैसे 1.5 रख दो, 1.5 रखने वाली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे भी हम लोग क्लियर है एक्स वन से अगर अधिक रखेंगे यार तो पॉजिटिव होगा, तो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये तो डायरेक्ट, अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव चीज है तो मॉड से बाहर वो निकल जाता है बिना माइनस साइन लिए हुए, लेकिन यहाँ अगर 1.5 रखोगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जब निकलेगा एक माइनस साइन के बाद निकलेगा, मतलब ये पलट उलट के निकलेगा, टू माइनस एक्स, एक्स कट गया नहीं क्या, बच गया वन बच गया, ठीक है। यहाँ पे आगे तुमको एक क्वेश्चन ये भी बताएंगे कि सॉल्व, ठीक है, यही चीज लिख देंगे, एक्स माइनस वन का मॉड प्लस एक्स माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू वन, ठीक है। यहां से बोलेंगे एक्स निकाल के बताओ, अभी बस थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तुम लोग खुद सोच सकते हो, आएंगे इस पे अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पे क्या, ये जो केस लिए हैं इसी को सॉल्व करके वन लाए, यही सॉल्व होकर के क्या आ गया है, वन आ गया। तो ये वन कब आया, जब एक्स इस रेंज में है, तो यानी कि अगर कोई क्वेश्चन करे कि बताओ ये एक्सप्रेशन वन कब होगा, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा अगर एक्स जो है वो वन से टू के बीच में हो, ये वन से टू के बीच में एक्स को लेने के बाद इस एक्सप्रेशन का सॉल्व करके हम लोग क्या निकालिए, वन निकालेंगे। तो अगर उल्टा हम पूछ लें कि ये एक्सप्रेशन वन कब होगा, तो फट से दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब एक्स वन से टू के बीच में होगा, जब ये आएगा डिटेल में उस समय पूछेंगे, तो बिल्कुल याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड, थर्ड में क्या है कि x अगर ग्रेटर देन 2 होता, 2 से बड़ा हो तो x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड क्या होगा, ठीक है। तो 2 से बड़ा अगर हम लोग लेते हैं, मान लो 2 से बड़ा 3, तो 3 रखोगे तो ये पॉजिटिव, ये भी इसमें भी 2 से यहाँ टू होगा, लेकिन 2 से बड़ा कुछ भी रखोगे ये भी पॉजिटिव, फिर 2 रखोगे तो 0, 0 को हम लोग पॉजिटिव वाले केस में, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, टू से बड़ा तो ये भी मॉड के बाहर ऐसे ही निकल जाएगा एज इट इज, और ये भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसा है, तो ये 2x-3, ठीक है। तो मॉड के एक्सप्रेशन को हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे आगे में, जब मॉड का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि मॉड में x-5, x-6 लिखा है तो मॉड हटा देंगे बिना सोचे, मॉड के अंदर वाले को देखेंगे, अगर वो वेरिएबल है तो उसको ब्रेक लेंगे केस लेकर, ठीक है। और अगर उसके अंदर में कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ब्रेक करना सीख लिए हम लोग, सीख लिए ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दे दें 2-3 क्वेश्चन, तो मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू व्हाट, ये क्या होगा अगर एक्स 0 से छोटा होगा, अगर x 0 और 1 के बीच में होगा, अगर x 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया, ये x प्लस 1 का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू क्या, अगर x माइनस 1 से छोटा हो, ठीक है, और अगर x माइनस 1 से बड़ा और 1 से छोटा हो, और अगर x 1 से बड़ा, ये दो
एक्सप्रेशन है और इसको तुम खुद से ब्रेक करो, ठीक है, खुद से ब्रेक करने की कोशिश करना, आराम से रिलैक्स दिमाग से पहले पूरा लेक्चर देखना, ठीक है, और उसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, फिर बनाना और नोट्स बनाना तैयार करो। नोट्स जो है अपना खुद का नोट्स बहुत कीमती होता है, ठीक है, उसको हम लोग खरीद नहीं सकते कहीं से, खुद का नोट्स वो खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और है इंटरवल, आगे इसमें काम आएगा यूज में, इसलिए अभी बता देते हैं। इंटरवल क्या होता है, अंतराल बोलते हैं, इंटरवल को फिल्म वाला इंटरवल नहीं, ठीक है। इंटरवल क्या होता है, दो तीन टाइप के इंटरवल होते हैं। पहला क्या होता है, ओपन इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं इसको खुला अंतराल, ठीक है, मतलब अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है एक्स जो है वो मान लो ये 2 से 3 के बीच में ये लिखा हुआ, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ मान लो 0 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो 0 हटा ये 2 और 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स 2 से 3 के बीच में है जिसमें 3 नहीं है और 2 भी नहीं है, क्योंकि 2 पे भी इक्वल टू नहीं है, 3 पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 2 से 3 के बीच का x है जिसमें 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर इंटरवल में लिख पाए, इसी चीज को इंटरवल में इसको ऐसे लिखेंगे, x जो है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, संबंध रखता है, x बिलोंग्स टू इन बिटवीन 2 टू 3, इसको इंटरवल में ऐसा लिखेंगे, ओपन इंटरवल में नोटेशन है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम लोग ये ओपन ब्रैकेट में लिखे, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ओपन इंटरवल, छोटा वाला ब्रैकेट है उसको ओपन इंटरवल, जहां भी अगर इस टाइप से कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो x है वो किससे बिलोंग करता है, कहां से, तो 2 और 3 के बीच से, ये ब्रैकेट लगाओ इसका मतलब ये 2 और 3 नहीं है शामिल, जो बाउंड्री पॉइंट है वो शामिल नहीं है, सिर्फ बीच वाला है। लेकिन अगर क्लोज इंटरवल की बात करें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो रोक के समझ सकते हो। ये क्लोज इंटरवल अगर बात करें तो क्लोज में क्या हो जाएगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 3, इक्वल टू भी है दोनों का, इसका ये मतलब हुआ कि 2 और 3 के बीच में है x जिसमें 2 भी है और 3 भी है। इसको अगर इंटरवल में लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे x belongs to 2, 3 क्लोज इंटरवल, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, अगर इस ब्रैकेट का सहारा ले लिए बड़ा वाला का तो मतलब ये हो गया 2, 3 के बीच में तो है ही, 2 भी है और 3 भी है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है, क्लोज ओपन इंटरवल भी हो सकता है, दोनों साथ में भी लिख सकते हैं हम लोग। क्लोज ओपन इंटरवल मतलब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्मॉलर देन, इधर है इक्वल टू और इधर 3 में नहीं है इक्वल टू, तो इसको इंटरवल में क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू इधर क्लोज और इधर ओपन, मतलब 2 शामिल है और 3 शामिल नहीं है। इसी तरीके से ओपन क्लोज भी हो सकता है, ओपन क्लोज, ठीक है, तो ये इंटरवल के टाइप्स, ठीक है, इसको ध्यान से समझ में आ गया। जैसे बेसिक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें हम लोग, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स, तो एक्स निकालना है, अगर मान लो मॉड एक्स इक्वल टू 5 है, जैसे हम तुमसे पूछें एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 2 होगा, कैसे समझाएंगे इसको, यहाँ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे जिससे कि एक्स माइनस 2 0 हो जाए, तो रख रख के चेक करो, 1 रखोगे तो नहीं होगा, 2 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए 2 आंसर हो जाता है,
तो अगर मॉड एक्स इक्वल टू फाइव है, तो ऐसा सोचो कि किसका किसका मॉड फाइव होता है, एक्स की जगह पे क्या देंगे कि जिससे उसका मॉड फाइव हो जाए। फाइव दोगे तो फाइव का मॉड फाइव, और माइनस फाइव दोगे तो भी उसका मॉड फाइव। इसलिए मॉड एक्स इक्वल टू फाइव को क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फाइव हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम तुमसे पूछे मॉड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स के लिए सॉल्व करना, तब क्या बोलेंगे हम लोग कि मॉड एक्स, इसको उधर लेके जाएंगे तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस वन। किसी भी नंबर का मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत क्वेश्चन हो गया। क्योंकि मॉड एक्स इक्वल टू माइनस वन सॉल्व करो, एक्स की जगह पे कुछ भी दे दो, कभी माइनस वन देगा ही नहीं। मॉड एक ऐसा मशीन है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा पॉजिटिव आंसर दे, इसलिए ठीक है ये ध्यान रखना है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, ये क्या सॉल्व हो, कैसे सॉल्व हो, एक्स निकालना है, क्या करेंगे हम लोग, जिसका भी मॉड है, अगर मॉड एक्स इक्वल टू वन होता है, अगर मॉड एक्स इक्वल टू फाइव था, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फाइव, तो जिसका मॉड वन है, जिसका मतलब एक्स माइनस वन, तो मॉड हटाने के बाद एक्स माइनस वन इक्वल टू इधर प्लस माइनस वन लगा, एक बार और प्लस लेके सॉल्व कर लो तो एक्स माइनस वन इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, और एक बार यहाँ पे माइनस लेके सॉल्व कर दो, यहाँ से ये दोनों कट ही जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, दो आंसर आ। अब हमको डाउट है, हम लोग आंसर रख के चेक कर, ये टू को इसमें रख दो, टू माइनस वन वन, वन का मॉड वन, सही है ये तो, जीरो रखो यहाँ पे, तो जीरो माइनस वन और माइनस वन का भी, ये भी सही है। तो अगर हमको सिंपल मॉड एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ सॉल्व करना है, तो मॉड हटाएंगे और प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो खुद से अगर इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन, मॉड एक्स इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फाइव, ठीक है, और मॉड में एक्स माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू वन, फिर मॉड में एक्स माइनस थ्री का मॉड, माइनस थ्री का मॉड इज इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस टू का मॉड इज इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस टू का मॉड माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू टू, एक्स माइनस वन का मॉड माइनस टू इज इक्वल टू टू, एक्स माइनस वन मॉड प्लस वन मॉड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व होना चाहिए, खुद से बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मॉड में बहुत ही अच्छा अच्छा चीज है, ठीक है, उसको अगले लेक्चर में देखते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देख करके लाइक कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग, और उसके बाद देखेंगे कि कौन कितना पढ़ा है, ठीक है। तो ये लेक्चर अच्छे से कर लो, मॉड थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, चलेगा अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे।